الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد عتيد صدق الله العلي العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم عليه. मेरे अजीज दोस्तों, वाजे एहतराम बुजुर्गों, इंतहाई प्यारे बेटो, मेरी प्यारी माओ बहनों बेटियों, आजिज नाचीज पुर तकसीर गुनाकार बंदे ने आपके सामने अल्लाह के पाक कलाम में से एक हिस्सा तलावत करने का शर्फ हासिल किया। रब्बुल इज्जत से दुआ है वो पाक ज़ात आजिस को सही मफहूम बयान करने की, आप सबको सुनने की, हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया, वो ज़ुबान से एक लफ्ज़ निकालता है, उसका निगहबान उसको लिखने के लिए तैयार होता है। आपने सुना होगा, उलमाए किराम फरमाते हैं, हर बंदे के एक दाएं कंधे पर अल्लाह का फरिश्ता बैठा है और बाएं कंधे पर भी अल्लाह का फरिश्ता बैठा है। जब बंदा है मोमन नेकी करता है, अच्छा काम करता है, तो दाएं कंधे वाला फरिश्ता उसे लिख लेता है। इसी तरह दूसरा फरिश्ता बाएं कंधे पर बैठा है, जब कोई गुनाह का काम करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, वो अल्लाह का फरिश्ता उसके गुनाह को लिख लेता है। इसी का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरी प्यारी बंदियों, तुम्हारे मुंह से कोई लफ्ज़ निकलता है, कोई बात निकलती है, तो निगाहबानी करने वाला उसे लिखने के लिए तैयार होता है। इसलिए अल्लाह ताला अपने बंदों को, अपनी बंदियों को ये हुक्म देता है कि तुम अपनी ज़ुबान से ऐसा लफ्ज़ ना निकालो कि दुनिया आखिरत में ज़िल्लत और रुसवाई उठानी पड़े। अगर आप किसी को गाली देंगे, अल्लाह ने उसको ताकत दी हो, कोई घुमा के मुक्का मारेगा, मुंह तोड़ के रख देगा। किसी की चुगली करेंगे, किसी की गीबत करेंगे, जब उसे पता चलेगा आपका गिरेबान पकड़ लेगा। अगर आपने ऐसा कलाम किया तो आपके लिए वो कलाम तकलीफ का जरिया दुनिया में बन जाएगा, लेकिन सिर्फ दुनिया में ही उसकी तकलीफ का बदला मिल जाए, यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी बेटी, फैश कलामी करने वाला रोज़े क़यामत इसके मुंह से पसर पीप गिरती होगी। लोग कहेंगे ये तो अजाब किसी को ना दिया गया, वो कहेगा मैं फैश कलामी किया करता था, ये उसका मुझे बदला दिया गया। अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में गीबत से रोक दिया गया और रसूल पाक ने गीबत को जिना से भी बड़ा गुनाह फरमाया। मालूम ये चला कि ये गलत बात जो अल्लाह की नाफरमानी है, ये कलाम दुनिया में भी रुसवाई का जरिया बनेगा और आखिरत में भी जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़ेगी।
इसलिए अल्लाह ने अपने बंदों को फरमाया ऐसी जुबान से बात ना निकालो कि दुनिया आखिरत में जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़े। जो अक्लमंद लोग थे, जिनके दिल में अल्लाह का खौफ था, जिनके दिल में रब की खशियत थी, उनकी जिंदगियां हमारे लिए मशले राह हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला ने अपने मुंह में किंकर रखा करते थे कि बोलने से रुके रहे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जो जुबान की बदगोई और तेजी की शिकायत ना करता हो। एक बार हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अनु हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अनु की ज्यारत और मुलाकात के लिए गए। आप फरमाते जब मैंने सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अनु को देखा तो आप अपनी जुबान पकड़ के खींच रहे थे और रो रहे थे। मैंने कहा सिद्दीक अकबर अल्लाह आपको बख्शे, रुकिए, आप ये क्या कर रहे हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अनु ने फरमाया यही जुबान है जो मुझे हलाकतों के मुकाम पर ले जाती है। ये वो हस्ती जिनका इतना बड़ा रुतबा कि अंबिया कराम बड़ी शान वाले, अगर अंबिया कराम के बाद कोई हस्ती और जात है वो सिद्दीक अकबर है। वो अपनी जुबान के बारे में इतने फिक्रमंद हैं, अपनी जुबान को पकड़ के खींचते हैं और रोते हैं, और जब आपको रोका जाता है तो फरमाते यही जुबान मुझे हलाकतों के मुकाम पर ले जाती है। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अनु फरमाते हैं मैंने सैयदना नबी पाक से पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक चीज क्या है। अल्लाह के महबूब ने अपनी जुबान मुबारक निकाल के फरमाया जुबान। आप फरमाते कि शख्स ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई नसीहत फरमाए कि आपके बाद मुझे किसी से पूछना ना पड़े। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तो अल्लाह पर ईमान ला और फिर उस पर पुख्ता हो जा। अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं किस पर काबू रखूं, तो रसूल पाक ने फरमाया अपनी जुबान पर काबू रख। हजरत जुन्नूर मिस्री रहमतुल्लाह ने ऐसा खुदा का वली है जिस रात आपका विसाल हुआ आसमानों पर ये निदा की जाती थी कल जुन्नूर मिस्री का विसाल हो जाएगा। जो शख्स उनके जनाजे में शरीक होगा रब उसको बख्श देगा। जब आपका विसाल हो गया लोग पहुंचे, एक लाखों का जनाजा था जमीन पर, लोगों का जमे गफीर कब्रिस्तान तक चल रहा था और आसमान पर परिंदे उड़ रहे थे। खुदा की कसम वाजिद ने खुद पढ़ा लिखा है लोग दफन करके वापस आ गए लेकिन वो परिंदे जो जनाजे में गए थे वो आपकी कब्र अनवर पर अपने परों को मलते थे और रोते थे और चीखते थे। उनकी जुदाई उनसे भी परेशानी के आलम में आंखों से आंसू रवा होते थे। हजरत जुन्नूर मिस्री रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया हजरत बचाइए बताइए नफ्स पर सबसे ज्यादा काबू रखने वाला कौन है। आपने फरमाया जो जुबान पर सबसे ज्यादा काबू रखता है वही नफ्स पर ज्यादा काबू रखने वाला है। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह रवायत करते हैं
कि एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, एक शख्स आया, उसने तवील कलाम किया, बोले गया। जब उसने बोलना बंद किया तो रसूल पाक ने फरमाया, तेरी जुबान के कितने दरवाजे हैं? उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, चार। अल्लाह के महबूब ने नागवारी का इजहार करते फरमाया, इसमें कोई एक दरवाजा भी ऐसा नहीं था जो तुझे तवील कलाम करने से रोकता। हजरत अली बिन बकार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, लोगों, अल्लाह ने हर चीज के दो दरवाजे बनाए, लेकिन जुबान के अल्लाह ने चार दरवाजे बनाए। दो होंठ दो दरवाजों की चौखटे हैं, और दो जबड़े दो दरवाजों की चौखटे हैं। इसलिए अल्लाह ने जुबान को तवील कलाम से रोकने के लिए अल्लाह ने चार दरवाजे फरमाए, ताकि कलाम कम करे। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, हर चीज के दो दरवाजे, जुबान के चार दरवाजे, आंख के दो दरवाजे, कान के दो दरवाजे। आप फरमाते, इस बात का सबूत है कि जुबान से कम बोलो, आंखों से इबरत की निगाह से देखो, कानों से अच्छी बातें सुनो। हजरत अबू वाइल रजी अल्लाह ताला अनु नबी पाक के साबी है। आप फरमाते, मैं खाने काबा में मौजूद था, मैंने देखा हजरत अब्दुल्लाह इबन उमर रजी अल्लाह ताला अनु सफा पहाड़ी पर चढ़े। जब ऊपर पहुंच गए, आपने बैठकर अपनी जुबान को पकड़ के कहा, अगर तू अच्छी बातें करेगी तो दुनिया आखिरत में फायदा पाएगी, और अगर तू अपनी जुबान से बुरी बातें करोगे, तुम्हें दुनिया आखिरत में रुसवाई और जिल्लत उठानी पड़ेगी। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, तुम्हारा ईमान दुरुस्त नहीं हो सकता अगर तुम्हारा दिल दुरुस्त ना हो, और तुम्हारा दिल तो ही जुबान रसूल ने फरमाया, करता है। मेरे बेटे, अल्लाह ताला के रसूल से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, अल्लाह ने जुबान किस काम के लिए अता फरमाई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुबान के फक्त दो काम हैं। जुबान नेकी का हुक्म दे, लोगों को बुराई से रोके, और अल्लाह का जिक्र करे, इसके सिवा जुबान का कोई काम नहीं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, नबी पाक फरमाते, ये मेरी उम्मत के आलिम हैं, इतना बड़ा रुतबा। आप फरमाते, मैं बोलने से बहुत डरता हूँ, मैं तो चाहता हूँ इतना ही बोलूं कि मेरी हाजत पूरी हो जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, आपके हवारी आके बैठ गए, आपने पूछा कैसे आना हुआ? अर्ज की, या नबी अल्लाह हमें ऐसा अमल बताएं, अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कभी ना बोलो। उम्मत दाएं बाएं देखने लगी, अर्ज की, या नबी अल्लाह, ये गुजारा कैसे होगा? बोले बगैर तो गुजारा नहीं। फिर आपने फरमाया, अच्छी बात करो और फिर खामोश रहो, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैं तुम्हें ना बताऊं वो दो चीजें जिनकी वजह से ज्यादातर मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद फरमाए। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अल्लाह का खौफ और नेक खुल्क
ये दो चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से मेरी उम्मत की कसीर तादाद जन्नत में दाखिल होगी। फिर रसूल पाक ने फरमाया, मैं तुम्हें ना बताऊं वो दो चीजें जिसकी वजह से मेरी ज्यादातर उम्मत जहन्नम में जाएगी। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इरशाद फरमाए। रसूल पाक ने फरमाया, एक जो दोनों जबड़ों के दरमियान है यानी जुबान, और दूसरी जो दोनों टांगों के दरमियान है यानी शर्मगाह। ये दो चीजें, जुबान और शर्मगाह, ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से ज्यादातर लोग जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे। मेरे भाई, मेरे बेटे, अंस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अनु फरमाते हैं, जंगे उहद में हमारा एक साथी शहीद हो गया। उसकी माँ आई, उसने आकर चेहरे से गर्द झाड़ी, और जब हमने देखा उसकी कमीज को उठाया तो भूख की वजह से उसके पेट पर दो पत्थर बंधे हुए थे। माँ ने देखा गर्द झाड़ी, शहीद हो चुका है और भूख की वजह से उसके पेट पर दो पत्थर बंधे हुए हैं। माँ ने कहा, बेटे तुझे जन्नत की बिशारत हो। वहां नबी पाक सल्लम भी तशरीफ फरमाते, मेरे महबूब ने फरमाया, तुझे क्या पता इसने लायानी बातें, बेकार बातें की हों और उसके अलावा ये बुखल करता हो और तू इसको जन्नत की बिशारत देती है। क्या मालूम चला, अल्लाह के नाम पर जान दे दी और अल्लाह के दीन पर हाल में कायम था कि भूख की वजह से पेट पर पत्थर बंधे हुए थे। इसके बावजूद उसकी बेकार बातें, लायानी बातें, बेमायना बातें और उसका बुखल उसको जन्नत में जाने से रोक सकता है। नबी पाक ने पूछा, काम नजर नहीं आ रहे। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत काब बीमार हैं, शदीद बीमारी की वजह से चल नहीं सकते। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, चलो उसकी बीमार कुर्सी करें, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चलकर उसके घर गए और जाकर जब हजरत काब को देखा, फरमाया, काब तुझे खुशखबरी हो। माँ ने सुना तो माँ कहती है, बेटा तुझे जन्नत की खुशखबरी हो। नबी पाक ने फरमाया, तुझे क्या पता काब ने बेमायना लायानी बातें की हों या सुनी हों। सिर्फ करना ही गुनाह नहीं है, सुनना भी गुनाह है। अगर कोई ऐसे ही बेकार लायानी बातें करे तो उससे अलग हो के अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाओ। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, जुबान अल्लाह ने फक्त एक काम के लिए, दो कामों के लिए दी है। पहला काम, ये जुबान नेकी का हुक्म दे, बुराई से रोके, और दूसरा ये जुबान अल्लाह का जिक्र करे। तो आपने अमानत के साथ खैर और भलाई की, नहीं तो अल्लाह के सामने जवाबदेही है। और हमारे बड़े बड़े अमल लायानी बातों की वजह से तबाह बर्बाद हो सकते हैं। अल्लाह रब्बे करीम हमें जुबान पर काबू रखने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। हुक्म शहे अबरार पे चलिए, खार भी गुल बन जाए।